जो कर रहा वही कर। ये थोड़ा चुलबुला है, मजाकिया है और हैंडसम बोलना। हाँ, हैंडसम है तो इसलिए इसका नाम मैंने रोमियो रखा है। आप क्यों खुश हो रहे हैं इतना? मुझे तो मजा आ रहा है ना, भारत एक नई सोच आई है यहाँ पे। कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं आपकी? क्या जो आता है गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ थे? लेकर कोई नहीं आता। जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो, इश्क हुरी चीज है मत किया करो, अपना सारा ध्यान कढ़ाई की तरफ मोड़ दो और अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे घर से छोड़ दो। क्या बात है, मेरी तो है कि नहीं क्या आंगन वाले भैया है? बिल्कुल मोटू भैया। ए मोटू भैया ने बोलने का, मोटा भाई लाइव शोज में भी तो आकर तुझे किस कर लेते। अरे 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 अरे, रोमियो भी सर्च कर सकते हो भैया, सुनो रोमियो भी सर्च कर सकते हो, घोड़ी सुनी कि नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों अभी हम पूर्णिया जिले में मौजूद हैं और आज हम आपको जिस कलाकार से मिलाने जा रहे हैं, ये कलाकार नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल के कलाकार हैं। ये जहाँ पे भी जाते हैं माहौल बना देते हैं और माहौल इस बदौलत बनाते हैं क्योंकि इनके हाथ में जो क्या कहें इनको, एक बंदर ही कहते हैं ना आपको तो? नहीं 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 नहीं, रोमियो। आपको बंदर नहीं बोलते हैं? रोमियो कहते हैं मुझे। रोमियो? हाँ। ऐसा रोमियो क्यों बोलते हैं आपको? क्योंकि मेरा नाम है रोमियो। अच्छा, ये नाम कौन दिया आपको? ये नाम तो इसने दिया है। और आपने नाम? क्योंकि ये थोड़ा चुलबुला है, मजाकिया है और हैंडसम बोलना। हाँ, हैंडसम है तो इसलिए इसका नाम मैंने रोमियो रखा है और लोग इस नाम से इसे बहुत पसंद करते हैं। बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, ये सुने थे कि इनको बंदर कहने पे चिढ़ जाते हैं? यस यस, मुझे बंदर मत कहना। तो आपका हुलिया तो वैसे ही लग रहा है ना? लेकिन मैं स्टैंडर्ड बंदर हूँ ना। अच्छा, स्टैंडर्ड बंदर। हाँ, तो इसलिए मेरा नाम है रोमियो। क्या बात है, देख करके मुझे काफी आश्चर्य लग रहा है कि इस प्रकार के कलाकार भी अपने राज्य में मौजूद हैं। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम राज सोनी है और भारत एक नई सोच देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप बहुत काफ़ी मुझे आपके यहाँ से कॉल आया था और बहुत बाद में हमारी मुलाकात हो पा रही है, लेकिन अच्छा है। बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लोग आपके चैनल को देखते हैं, तो एक अच्छा चैनल आपके क्षेत्र का है जो पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व में लोग देख रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। यस यस यस। आप भी बड़ी खुश हो रहे हैं? नहीं या, या, या। आप क्यों खुश हो रहे हैं इतना? मुझे तो मजा आ रहा है ना, भारत एक नई सोच आई है यहाँ पे। क्या बात, आप भी देखते हैं क्या? मैं तो रोज देखता हूँ वीडियो। हाँ, अच्छा। वीडियो रोज देखता ही है। ये भी देखते हैं, क्या बात है। ये बताइए, आपको भी मतलब शुरू में काफी सारे स्ट्रगल करने पड़े थे? हाँ बिल्कुल, हर कलाकार को करने पड़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको कुछ अलग करना चाहिए, तो मैंने बोला नहीं, मुझे लगता है कि मेरी अगर इसमें पकड़ अच्छी है और मैं लोगों को हंसा सकता हूँ तो मुझे यही करना चाहिए। फिर मैंने इसको समझाया। अच्छा। हाँ, मैंने कहा जो कर रहा वही कर। क्या बात है। तो इसने समझाया, हाँ सही है, तो फिर मैंने इसे ही कंटिन्यू रखा और आज आप लोगों का प्यार है। अभी हाल ही में गोल्डन खुले बटन मिला है। गोल्ड खुले बटन? हाँ हाँ हाँ, मिल गया। हाँ जी, तो किसके बदौलत मिला है? मेरी वजह से। बिल्कुल, मैं इस बात का क्रेडिट देता हूँ ऑब्वियसली रोमियो को कि जब से ये आया है तो बहुत अच्छा चल रहा है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बात बताइए, मतलब इस जर्नी की जब शुरुआत हुई तो आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया, आखिर इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया? हाँ, ये जैसे मैंने लाफ्टर चैलेंज देखा था, उस समय एक राजकुमार जावेकर थे, उनके उनको देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, तो मैंने सोचा था उसे शुरू करना है मुझे। और पूर्णिया में जो आप कहेंगे कि प्रोफेशनल तरीके से जो मुझे स्टेज मिला, वो विनय यादव जी हैं, केशव जी हैं, इन लोगों के थ्रू मैं स्टेज पे ये परफॉर्मेंस करने लग गया। और जब भी मौका मिलता तो वहाँ पर मैं 5 मिनट का एक्ट रोमियो के साथ करता था, तो लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। फिर भैया लोग ने भी कहा कि हाँ इसे कभी कभी ट्राई किया करो, तो इस तरह से धीरे धीरे पहचान बढ़ी। और फिर वो जो आइडिया आपने कहा वो तो लाफ्टर चैलेंज देख कर आया, फिर विदेशी कई सारे वेंट्रिलोक्विस्ट को देखा मैंने, इस एक्ट को वेंट्रिलोक्विज्म कहते हैं। सारी बातें तो ही बोलेगा कि मुझे भी बोलने देगा? नहीं नहीं, बोलिए ना, आप भी बोलिए ना कुछ। हाँ, अच्छा, तो, रोमियो एक बात हाँ, बताओ आप कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं आपकी? क्या जो आता है गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ थे? लेकर कोई नहीं आता। लेकर कैसे आएंगे? वो तो तुझे ढूंढनी पड़ेगी ना। मैं तो ढूंढ लूंगा। लेकिन किसी का नाम तो बता जो तेरी गर्लफ्रेंड हो कोई।
एक का नाम लेकर मैं दूसरे का दिल नहीं तोड़ सकता, समझे? अच्छा कई सारी है क्या? कई सारी क्या बात है, क्यों से मजाकिया अंदाज इसका? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, झूठ बोलने के सच बोलना है। अच्छा अच्छा समझ गया। हाँ हाँ बता बता दे, बता दे सबको। नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हम तो ये भी सुनने वाले थे कि आप शादी करने वाले हैं। शादी? हाँ शादी करने वाला है तू? अभी नहीं करूंगा। कब? एक घंटे बाद। एक घंटे बाद क्या होता है, मतलब अभी नहीं करेगा? सॉरी सॉरी, एक साल बाद। एक साल बाद नहीं, थोड़े दिन और। दो साल। हाँ ठीक है, दो साल बाद करेंगे। तो किस गर्लफ्रेंड से करेंगे, क्लियर नहीं हुआ अभी? किससे करूंगा? या तो अपनी वाली से करना, या फिर दूसरी से तो करवा ही देंगे घर वाले। क्या बात है, देखते हैं घर वाले कराते हैं कि अपनी मर्जी से भाग कर करते हैं जैसे सब लोग कर रहे हैं। मजा आ रहा है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे रोमियो को या लोग बहुत पसंद करते हैं, खास करके लड़कियों के बहुत सारे मैसेज आते हैं रोमियो को। अब तो लोग कमेंट में सीधा लिख देते हैं आई लव यू रोमियो। तेरे बारे में नहीं लिखते क्या? अच्छा तू ज्यादा प्यारा है ना। अच्छा अच्छा मेरे लिए लिखते हैं, थैंक यू सो मच। जब रोमियो आपको शायरी वायरी आता है? शायरी? हाँ कोई गर्लफ्रेंड के लिए कोई शायरी हो तो सुनाओ। शायरी दोस्तों के लिए सुना दे। जी सुना। दोस्तों हाँ, जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो। जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो, इश्क बुरी चीज है मत किया करो। क्या बात, जिंदगी अपनी मस्ती में जिया करो, इश्क बुरी चीज है मत किया करो। अच्छा अपना सारा ध्यान कढ़ाई की तरफ मोड़ दो और अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे भरोसे छोड़ दो। क्या बात है, आपको गर्लफ्रेंड चाहिए नहीं, मेरे भरोसे छोड़ दो। ताकि वो लोग पढ़ाई करें, देश का नाम रोशन करें। अच्छा और आप क्या करिएगा लेकर के? मैं तो सिगरेट है। क्या बात है, देख तो ये उनको लेकर वीडियो बनाएगा। हाँ हाँ हाँ, वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। अच्छा तो एक बात बताइए, बंदर को तो बंदरिया से शादी करनी चाहिए, इंसान से लड़की से थोड़ी हो सकता है। जमाना बदल गया ना भाई साहब, लड़का लड़का शादी कर रहे। लड़का लड़के कहाँ सुने? आप लोग आए दिन न्यूज में आप लोग पकड़ पकड़ कर ढूंढते रहते हो कि लड़के लड़के भी आपस में शादी करने लगे, आजकल तो बहुत बदलाव आ गया है। हाँ तो मैं गंदरिया से नहीं करूंगा, इंसान से। हाँ इंसान से करूंगा। ये तो काफी विचित्र हो जाएगा। नहीं अच्छा लगेगा ना सबको, मैं पसंद आता हूँ। वो रहेगी आपके ऊपर तो छोड़ के भाग जाएगी? अरे नहीं, ऐसे कैसे भाग जाएगी, हम उसको पसंद आएंगे तब तो आएगी ना। अच्छा तो भागेगी नहीं? ना ना ना। अच्छा ठीक। अच्छा एक बात बताओ, आपके जो आप इनको क्या मानते हो, अपने मालिक मानते हो, क्या मानते हो इनको? ये मालिक मैं हूँ ना। अच्छा आप मालिक हैं? ये तो स्टाफ है। क्या आप मालिक हो, स्टाफ है? तो मैं स्टाफ हूँ। हाँ गुड बॉय। चुप रहे, तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। कभी कभी इसको दोस्त भी कह लेता हूँ। अच्छा तो मतलब मालिक तो ही है? मालिक नहीं जी, बिल्कुल। कहते हैं कि आज सच कहूँ तो बिल्कुल इसके साथ मेरी एक फीलिंग्स जुड़ गई है, और सच में ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, ये मेरा मालिक है, बिल्कुल है। तो ही है, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। दुलार आ रहा भी मेरे ऊपर। बहुत ज्यादा प्यार कर रहे नहीं? या, या, या। अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, बस कभी कभी नहाता नहीं है। अच्छा ये भी बात है, गर्मी में तो नहाना चाहिए ना। अच्छा वो नहीं नहाते हैं? नहीं कभी कभी नहीं नहाता। बेइज्जती मत। अच्छा, आप नहाते हैं क्या? मैं तो रोज नहाता हूँ। बेइज्जती तू कर रहा है मेरी। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। ठीक, तेरी बहुत इज्जत है। मेरी तो है कि नहीं? क्या आंगन वाले भैया है? बिल्कुल मोटू भैया। ए मोटू भैया नहीं बोलने का, मोटा भाई। मोटा भाई, मोटा भाई मतलब बड़ा भाई। हाँ अच्छा अच्छा, ये बताओ आपको जब लड़कियां प्रपोज करती है तो कैसा लगता है? लड़कियां जो प्रपोज करती है ना जी, तो मैसेज करती हैं। अच्छा और लाइव शोज में भी तो आकर तुझे किस कर लेते? अरे 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 अरे, हीरोइन भी करती है। हाँ कई सारी हीरोइनों ने भी किया है, तो तुझे कैसा लगता है? किसको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि मेरे से थोड़ा दूर रहो ना। अच्छा मतलब वो लोग क्या गंदा कर देते हैं ना, अब इसका चेहरा बार बार हाँ किस कर करके, तो मतलब हाथ से इसका मुंह पकड़ना, ये वो। तो मुंह मत पकड़ो ना। हाँ हाथ मिलाओ। हाँ हाथ मिलाओ बस। अच्छा हाथ मिलाना है। हाँ लेकिन सब लोग अच्छे हैं, ये उनका प्यार है, थैंक यू। अच्छा राज जी आपसे कुछ बातें करेंगे पर्सनली, मान लीजिए जब इस काम को शुरू नहीं किए थे उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले मैं जैसे मैं पढ़ाई भी कर रहा था और साथ ही साथ मैं कुछ आवाज़ें मतलब मिमिक्री करता था या फिर साउंड इफेक्ट वगैरह करता था, शायरियों के साथ स्टेज शो करता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने स्टैंड अप के ओर रुख किया,
वेंट्रोलुकिस्ट बनने की जो मेरी कोशिश थी, कहीं ना कहीं आज वो मैं सफल मानता हूँ कि लोग मुझे बुलाते हैं और स्पेशली मेरे इस एक्ट के लिए बुलाते हैं। तो आप अपने काम से काफ़ी संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू में थोड़ा डर भी था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ऐसा इस फील्ड को मैंने चुना है, घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने काम में थोड़ी दक्षता हासिल कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, लोगों का प्यार मिलता है, बड़े बड़े लोग आपको कॉल करते हैं, आपको बधाई देते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अब मैं बहुत खुश हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। सब कोई सपोर्ट करता है? जी जी, जो पैसा आ रहा है ना इसको। अब चुप रहे यार, पैसा आ रहा है इसलिए खुश है। अच्छा, शादी कराएंगे तो कहीं ये छोड़ के चले जाएंगे तो? अरे नहीं नहीं, एक तरफ वो लटकी रहेगी, एक तरफ एक साथ दो दो लटकी रहेगी, तब तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं नहीं, उसको मैं ना कभी कभी समय दे दूंगा। हाँ अच्छा, उसको कभी कभी समय दे देगा मेरे लिए। खैर अभी शादी बहुत दूर है, अभी मुझे अपने लाइफ में और आगे बढ़ना है। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो जी, आपका क्वालिफिकेशन क्या हुआ? मैंने BCom किया है। सवाल मत पूछना, ये क्योंकि नहीं खाता इसको। मतलब अपने दोस्त की, अपने गार्जियन की खुद ही बेइज्जती कर रहे हो? नहीं, बेइज्जती करने लायक है ना ये? चुप रहे बदमाश, ऐसा क्या कर दिया भाई? मस्ती करता है मेरे साथ ऐसे ही। मैंने पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से ही पढ़ाई की है और मैं ग्रेजुएट हूँ। देखने में नहीं लगता है ना? चुप रहे यार। तो लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, यस ये बात सही है, बट मुझे मन लगता था अपने एक्टिंग करने में या फिर कॉमेडी करने में, तो मैंने इस फील्ड को चुना। शुरू से ही दिलचस्पी थी सब काम। जी जी जी, चेहरा भी तो कॉमेडियन वाला है ना इसका। अच्छा क्या बताए, वाकई में रोमियो से मिलकर के मुझे इतना अच्छा लगा। रोमियो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। ये मोटू भाई से? अरे मोटू भाई नहीं है, सॉरी मोटा भाई। हाँ मोटा, कैमरा चला के फोड़ देंगे। कैमरा तो जैसे कैमरा उनके लिए भगवान है ना जी, वैसे मैं इसके लिए। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए तो भगवान है, दोस्त है। चल सही बात है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे भाई साहब से, क्योंकि समय का अभाव है। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दूर से चल करके हम इनसे मिलने के लिए आए थे और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा रोमियो से मिल करके। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अरे मेरा चैनल तो सुन लो। हाँ बताइए ना। हाँ, ऐसे जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियोस को नहीं देखा है इनके चैनल पे, तो आप देख ही रहे हो, इन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारा चैनल है कॉमेडियन राज सोनी, इस नाम से भी आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। रोमियो भी सर्च कर सकते हैं भैया, सुनो रोमियो भी सर्च कर सकते हो। हाँ सुन लिया। क्या बात भैया, सुन लिया? भाभी सुनी कि नहीं? भाभी भी सुन लिया यार, चुप हो जा तू। ओके ओके ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।